अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मैं अफ्तारी के टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अफ्तारी मम्मी ने आज बनाए थे स्पैगेटी और दही बड़े पकोड़े और लस्सी बनाई थी मैंने, तो काफ़ी मज़ा आया था। और हम अक्सर रोज़े के टाइम बैठ के ये शो देख रहे हैं बच्चों का सेगमेंट, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है हम सब लोगों को घर में भी। फिर अम्मी ने चाय बनाई, हमने चाय पी, फिर उसके बाद हमें जाना था कुछ शॉपिंग करने, तो बस अभी मैं रेडी हो गई जाने के लिए। तो बस फिर हम पहुंच गए थे अभी और हमें चाहिए थे कपड़े वगैरह ईद के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि बस थोड़े से रोज़े रह गए हैं। यहाँ आज 18वां रोज़ा था और कल 19वां है, तो बस यहाँ तो 10 दिन तकरीबन रह गए ईद में। तो बस अभी हम लोग यहाँ शॉपिंग करने आए हैं और ये मॉल था तो काफ़ी अच्छा था, बड़ा काफ़ी। तो हमने यहाँ से अपने कपड़े वगैरह लिए और अम्मी को भी लेने थे ईद के कपड़े वगैरह, तो बस। और रश भी नहीं हो रहा था, ये सबसे बड़ी बात ये। तो बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नंदोस, तो यहाँ से हम लोगों ने सोचा हम सैरी तो करते नहीं है, तो हम खाना और डिनर हमारा एक ही होता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ से फिर अपना तो डिनर विनर करा, तो डिनर में हमने ये सब मंगवाया था, आप देख सकते हैं काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। और एक और चीज़ थी उसकी मैं पिक बनाना भूल गई, तो बस अभी हम लोग ये इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने अपने लिए ये भी मंगवाया था, काफ़ी मज़े का था ये। उसके बाद बस हमने ये सारी चीज़ें इंजॉय करी और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम चाय पी लेते हैं, सैरी की चाय। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं सैरी की चाय पीने। और यहाँ देखें, इन्होंने रमज़ान की वजह से कितना अच्छा सजाया था। हम आधे रास्ते आ गए तो पहले तो फिर हमें पता चला कि अम्मी अपना पर्स, तो पर्स में मोबाइल था, पर्स वगैरह जो ना वहीं भूल कर आ गई। अब फिर हमें दोबारा जाना पड़ा, तो फिर हम लोग क्या कर सकते थे। फिर हम दोबारा गए, फिर हम लोगों ने वहाँ से पर्स वो करा, तो शुक्र से हमें मिल गया था, वरना ये दुबई है, अगर ये पाकिस्तान होता तो गायब हो चुका होता। तो बस फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे चाय पीने, और चाय फिर हम लोगों ने मंगवाई। और यहाँ का ना बहुत रमज़ान वाली वाइब्स आ रही थी, तो बस अभी हम लोग यहाँ बैठ के चाय पीने, काफ़ी मज़ा आ रहा था, यहाँ इतना सुकून मिल रहा था, पेट तो भरा हुआ था। फिर हम लोगों ने बस चाय वाय पी, उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो ये देख सकते हैं इन्होंने रमज़ान की वजह से कितना अच्छा सजाया हुआ है, ईद पे भी ये ऐसे ही सजता है। तो बस, तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, चुपके चुपके वीडियोस मत देखा करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बल्कि तुम लोग नहीं, तुम लोग तो अभी बच्चे हो, मैं बहुत अपनी जिंदगी में पहली मरतबा ऐसी जगह देख रही हूँ। ये इतनी मेहनत करते हैं, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं ऐसा सब, बैरियर टाउन में भी इतना सजा कुछ भी नहीं होता। वो जो दरख्त है बैरियर टाउन में, वो तो ऐसे कैसे ही होते हैं।